आपको यहाँ पे कैन यू टेल मी दिया है विच फ्राइटनिंग नेचुरल इवेंट्स कैन बी सीन इन द पिक्चर्स बिलो। तो देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिख रहे हैं, दो पिक्चर्स आपको दिए हैं। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, अगर फर्स्ट पिक्चर में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे वल्केनो दिख रहा है। तो इस तरीके से अगर वल्केनो इरप्ट होता है, वल्केनो इरप्शन होता है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है। उसके बाद सेकेंड पिक्चर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्टॉर्म जब आता है, भारी यहाँ पे जो हवाएं बहने लगते हैं उसके कारण क्या होता है, घर जो होते हैं उनके घर जो होते हैं इस तरीके से बिखर जाते हैं, जो पेड़ होते हैं यहाँ पे उखड़ जाते हैं और गिर जाते हैं इस तरीके से। तो यही क्या होते हैं, नेचुरल डिजास्टर, जो नेचुरली इवेंट्स होते हैं जिनके कारण हमारा नुकसान होता है उन्हें नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको वल्केनो और यहाँ पे दूसरा पिक्चर जो दिया है वो है स्टॉर्म का पिक्चर। देन यहाँ पे आपको दिया है कैन यू टेल में, समटाइम्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन सडनली देर इज अ डाउन पोर विच लास्ट फॉर 2 or 3 days। तो देखिए क्या होता है, कभी कभी रेनी सीजन में भी डाउन पोर मतलब बारिश, ज़्यादा तेज बारिश होने लगती है कम समय में, कंटिन्यूसली 2 or 3 days ये बारिश होती रहती है। द रिवर्स फ्लोज इन फुल स्पीड, और जो रिवर्स होती है ये पूरी क्या होती है, भर जाती है और बहने लगती है जोरों से। इट मे इवन ओवर फ्लोज इट्स बैंक्स एंड एंटर नियर बाय सेटलमेंट्स। तो देखिए जो रिवर का बैंक होता है जितने एरिया में वो बहती है उससे भी ये वो क्या हो जाती है, ओवरफ्लो हो जाती है, क्योंकि बारिश ही इतनी होती है। और जो नियर बाय सेटलमेंट्स जो बस्ती होती है वहाँ तक भी पानी पहुँच जाता है। What is the name given to such a rise in the level of river water? तो इसे क्या कहा जाता है, कौन सा नाम देते हैं हम अगर इस तरीके से रिवर वाटर का लेवल बढ़ जाता है, कौन सा यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, ये आपको दिया है। नेम टू प्लेसेस इन महाराष्ट्र वेयर अर्थक्वेक्स हैव ऑकर्ड। तो ऐसे कौन से दो प्लेसेस हैं महाराष्ट्र में जहाँ पे अर्थक्वेक्स आए हुए थे। तो देखिए स्टूडेंट, महाराष्ट्र में लातूर और पालघर में अर्थक्वेक हो चुका है। तो ऐसे कई सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे हमारे महाराष्ट्र में अर्थक्वेक आ चुके हैं। तो आपको और भी जो नाम पता होंगे, कोई भी दो नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड अर्थक्वेक अंडर द सी गिव्स राइज टू अ वेरी हाई वेव्स दैट आर दीज जाइगेंटिक वेव्स कॉल्ड। तो देखिए जब अर्थक्वेक होता है सी के नीचे, सी के बेस में अगर अर्थक्वेक होता है तो उसके कारण क्या होता है, जो सी की समुद्र की लहरें हैं काफ़ी तेज बड़ी हो जाती है, हाई वेव्स बन जाती है। तो वो जो यहाँ पे जाइगेंटिक मतलब जो बड़ी सी वेव्स बन जाती है, बहुत बड़ी वेव्स बन जाती है, तो उनको क्या कहा जाता है, तो उनको सुनामी कहा जाता है, जिनके कारण समुद्र के किनारे पे जो भी सिटीज होते हैं, जो भी गांव होते हैं, उनका भारी मात्रा में क्या होता है, नुकसान होता है। तो इनके बारे में आगे हम लेसन में देखने वाले हैं। नेचुरल डिजास्टर्स मेनी अ टाइम वी हियर ऑफ सीरियस मिशअप। तो यहाँ पे देखिए मिशअप का मीनिंग होता है दुर्घटना। तो ऐसे कई सारे सीरियस दुर्घटनाओं के बारे में हम लोग सुनते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हैपन्स हियर, अ फ्लड ऑकर समवेयर एल्स, अ स्टॉर्म ऑकर्स इन वन प्लेस, अनदर प्लेस इज स्ट्रक बाय लाइटनिंग। तो ऐसे कई सारी चीज़ें आपने भी सुनी होंगी कि कहीं पे फ्लड मतलब बाढ़ आ गई है, कहीं पे अर्थक्वेक मतलब भूकंप होता है, स्टॉर्म मतलब तूफान आया है, या फिर लाइटनिंग मतलब बिजली या गिरने के कारण कुछ नुकसान होता है। देर कैन बी अ लैंडस्लाइड और ए हेल स्टॉर्म। तो देखिए लैंडस्लाइड का मीनिंग होता है ज़मीन का धंसना या फिर गिरना, कि जब बारिश ज़्यादा मात्रा में होती है तो उस टाइम क्या होती है, ज़मीन नीचे यहाँ पे क्या होती है, स्लाइड हो जाती है, तो लैंडस्लाइड कहा जाता है उसे। और हेल स्टॉर्म कभी कभी देखिए बारिश के साथ जो बर्फ के गोले भी गिरते हैं उसे कहा जाता है हेल स्टॉर्म। तो ये कुछ नेचुरल डिजास्टर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं जिनके बारे में आपने भी सुना होगा, जैसे कि टीवी में सुनते हैं हम लोग, न्यूज़पेपर में देखते हैं। इन दीज इंसिडेंट सेवरल पीपल आर इंजर्ड। और इस तरीके से अगर नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं तो कई सारे लोग क्या होते हैं यहाँ पे इंजर्ड होते हैं, उनके साथ इंसिडेंट्स होते हैं इस तरीके के, तो सम इवन लूज देयर लाइव्स, और काफ़ी सारे लोग तो मारे भी जाते हैं इसमें। हाउसेस कोलैप्स। तो देखिए अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है, फ्लड आ जाते हैं, स्टॉर्म आता है, तो इनके कारण क्या होते हैं, हाउसेस भी गिर जाते हैं, एनिमल्स डाई, जो एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप्स गेट डिस्ट्रॉय। अगर खेती में जो क्रॉप्स लगाए हुए हैं वहाँ पे अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा, फिर सारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पे। देर इज़ अ ग्रेट डैमेज टू प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है मतलब फार्मर के लिए, तो उनकी खेती जो होती है वही उनकी प्रॉपर्टी होती है, वो भी यहाँ पे क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उनके घर चले जाते हैं, या फिर जो एनिमल्स होते हैं वो भी यहाँ पे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं ऐसे नेचुरल डिजास्टर में। सिटीज़ में भी ऐसा ही होता है, अगर अर्थक्वेक आ जाएगा, बड़ी से बिल्डिंग्स होते हैं तो उनमें भारी मात्रा में नुकसान होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे एक साथ ही बिल्डिंग के नीचे दब सकते हैं।
डे टू डे लाइफ इज़ डिस्टर्ब। जो भी डे टू डे लाइफ होती है हमारी, जो इजीली हम लोग जीते हैं वो नहीं जी पाते हैं क्योंकि पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इट टेक्स सेवरल डेज फॉर लाइफ टू गेट बैक टू नॉर्मल। अगर कहीं पे फ्लड आ जाता है, वहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, तो नॉर्मल लाइफ जो होती है वो जीने के लिए वहाँ पे काफ़ी समय लग जाता है लोगों को। अ न्यू टर्म, तो इस लेसन में हमें एक न्यू टर्म सीखनी है जो कि डिजास्टर है। अ वेरी सीरियस मिसअप, जैसे कि मैंने कहा कि दुर्घटनाएं, ऐसे सीरियस जो दुर्घटनाएं होती है उसे ही डिजास्टर कहा जाता है। वन इन विच पीपल और एनिमल्स कैन गेट इंजर्ड और डाई, ऐसी दुर्घटना है जिनमें लोग या फिर एनिमल जो होते हैं इंजर्ड हो जाते, जख्मी होते हैं या फिर मर जाते हैं। क्रॉप्स एंड अदर प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड, जैसे कि हमने पहले देखा कि क्रॉप्स होते हैं या फिर अदर जो प्रॉपर्टी मतलब घर है, बिल्डिंग्स है, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हाउसेस कोलैप्स हो जाते हैं, तो इसे ही डिजास्टर कहा जाता है कि ऐसी दुर्घटनाएँ जिनके कारण लोगों का नुकसान होता है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, दीज एंड सम अदर मिशअप्स हैव नेचुरल कॉजेस, तो इस तरीके की जो दुर्घटनाएं होती है ये नेचुरली होती है, दे आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर। इन्हें क्या कहा जाता है? नेचुरल डिजास्टर, क्योंकि ये हम लोगों के हाथ में नहीं होते हैं, ये नेचुरली होने वाले इवेंट्स होते हैं। वी डू नॉट हैव इनफ नॉलेज अबाउट व्हेन एंड वेयर दे माइट हैपन, तो यहाँ पे हम लोगों को ये नॉलेज नहीं होता है कि ऐसे जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं ये कब होने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। ये क्या होते हैं? अचानक से ही हो जाते हैं सब लोग, तो यहाँ पे इसीलिए लोगों का ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि हमें इस पहले ही इन चीज़ों के बारे में पता नहीं चल पाता है। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू प्रिवेंट देम, और इसीलिए हम लोग उन्हें प्रिवेंट नहीं कर पाते। देखिए, अगर हमें पता है कि बारिश होने वाली है कल, तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर जाने से पहले ही खुद को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बचा जा सकता है अगर प्रॉब्लम पता हो तो। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि नेचुरल डिजास्टर किस तरीके से होने वाले हैं, कब होने वाले हैं, तो हम उन्हें प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं। वी मस्ट नॉट गेट फ्राइटन बाय सच डिजास्टर, लेकिन सपोज ऐसे होता है आपके साथ कभी भी डिजास्टर अगर आते हैं, तो हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। इंस्टेड इट इज़ मोर यूजफुल टू फाइंड आउट हाउ टू फेस सच अ डिजास्टर इफ इट हैपन्स, अगर इस तरीके से नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हिम्मत से काम लेनी है। और दूसरी बात ये होती है कि हमें फेस करना चाहिए ऐसे डिजास्टर्स को कि हम लोग किस तरीके से बच सकते हैं इनमें, हम है या फिर हमारी फैमिली है, नेबर्स है, उनको किस तरीके से बचा जा सकता है, इस तरीके से हम सोच सकते हैं। अनटाइमली रेन्स, इन आवर कंट्री वी गेट रेन्स ओनली इन अ सर्टन पीरियड ऑफ द ईयर, इन महाराष्ट्र इट रेन्स इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर, दिस पीरियड इज कॉल्ड द मानसून और द रेनी सीजन। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे कंट्री में, इंडिया में जो बारिश होती है उसका पर्टिकुलर एक टाइम है। महाराष्ट्र में जो बारिश होती है कब होती है? जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये चार महीने जो होते हैं मानसून सीजन होता है। तो जब बारिश होती है चार महीनों के लिए यहाँ पे, तो उसे क्या नाम दिया गया है? मानसून सीजन और रेनी सीजन। इन महाराष्ट्र ऑन सम डे बिफोर द स्टार्ट ऑफ द रेनी सीजन द स्काई सडनली गेट्स ओवरकास्ट, देर इज अ लाइटनिंग एंड थंडर, इट रेन्स हेवीली फॉर अ शॉर्ट वाइल, दीज आर कॉल्ड प्री मानसून शॉवर्स। तो देखिए, जो चार महीने हमें दिए है वह उस टाइम ही मानसून आता है, लेकिन मानसून से पहले ही कुछ दिन क्या हो जाता है? रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे प्री मानसून, प्री का मतलब होता है बिफोर, एंड मानसून मतलब यहाँ पे जो मानसून सीजन दिया है, रेनी सीजन दिया है, उसके कुछ दिन पहले ही यहाँ पे जो रेनी सीजन है यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, रेन होने लगती है, तो इसे क्या कहा गया है? प्री मानसून शॉवर्स। तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ चुका होगा, प्री मतलब बिफोर, मानसून जो यहाँ पे रेन स्टार्ट हो जाता है उसे प्री मानसून शॉवर्स कहा जाता है। However, when it rains at other times beside the monsoon or pre-monsoon period, such rain is said to be untimely rain. तो देखिए, जैसे हमने देखा कि पर्टिकुलर जो रेनी सीजन होता है उससे पहले या फिर जो प्री मानसून पीरियड है कि बारिश का जो मानसून का सीजन है उसके पहले बारिश होती है कभी कभी, लेकिन मानसून और प्री मानसून पीरियड छोड़ के भी कभी भी बारिश अगर होती है तो उसे अनटाइमली रेन कहा जाता है कि कभी भी बारिश होती है। जैसे कि आप अभी अगर हम देखेंगे तो ऐसा बहुत बार होता है कि रेनी सीजन नहीं होता है फिर भी बारिश होने लगती है, तो इसे अनटाइमली रेन कहा जाता है। अनटाइमली रेन कम्स विदाउट वार्निंग वेन वी लीस्ट एक्सपेक्ट इट। तो देखिए, यहाँ पे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि समर सीजन चल रहा है और वहाँ पे बारिश होगी, किसी को भी पता नहीं होता है और सडनली क्या हो जाती है? बारिश। तो इसे ही अनटाइमली रेन कहा जाता है। पीपल हु हैव लेफ्ट देयर हाउसेस विदाउट अम्ब्रेलाज एंड रेन कोट
हैव टू रन हेल्टर स्केल्टर फॉर अ शेल्टर। तो देखिए स्टूडेंट, जब बारिश के सीज़न होता है, रेनी सीज़न होता है, तो हमें पता होता है कि बारिश कभी भी हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर बाहर जाना होता है तो हम अम्ब्रेला, रेनकोट हमारे साथ लेके जाते हैं। लेकिन ऐसी अनटाइमली रेन के बारे में किसी को पता नहीं होता है, फिर क्या होता है, लोग अपने साथ अम्ब्रेला रेनकोट तो लेके नहीं जाते हैं, और उस टाइम फिर क्या होता है, सडनली बारिश होने के कारण यहाँ वहाँ उनको शेल्टर देखना पड़ता है कि कैसे हम लोग बच पाए बारिश से। और दे हैव टू गेट सोक इन द रेन, और या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे वो लोग भीग जाते हैं। जैसे कि देखिए, आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिख रहा है, पीपल कॉट इन अनटाइमली रेन, जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है कि सडनली लोग यहाँ वहाँ भागने लगे हैं कि हम लोग बारिश में ना भीग पाए। बट अनटाइमली रेन्स कैन ऑल्सो कॉज सीरियस डैमेज, पीपल ग्रो विंटर क्रॉप्स, ओकेजनल लाइट शॉवर्स आर गुड फॉर दिस क्रॉप, बट इफ़ इट रेन टू मच फील्ड गेट वाटर लॉग। तो देखिए स्टूडेंट, अगर यहाँ पे जो सीज़न होता है, क्रॉप्स का सीज़न होता है विंटर का, उस टाइम जो क्रॉप्स होते हैं काफ़ी अच्छे ग्रो हो चुके होते हैं। अगर ऐसे टाइम में अगर बारिश होती है तो क्या होगा, अगर बारिश लाइट है, मतलब थोड़ी सी बारिश होती है तो क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है ये। लेकिन अगर बारिश भारी मात्रा में होती है, ज़्यादा होती है, हेवी रेन अगर होती है, तो इससे क्या होगा, जो पानी है वो फील्ड में जमा हो जाता है, वाटर लॉग, मतलब पानी भर जाता है फील्ड्स में, एंड द क्रॉप मे रॉट कॉजिंग मच लॉस। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिर जो क्रॉप्स होते हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, पानी में सड़ जाएंगे। ऑफन अ हेल स्टॉर्म एकम्पनीज विथ अनटाइमली रेन्स, कभी कभी क्या होता है कि अनटाइमली रेन्स के साथ हेल स्टॉर्म भी होने लगते हैं। सेवर हेल कॉजेस इंजरीज टू पीपल एंड एनिमल्स, और ऐसे जो हेल स्टॉर्म्स में जो हेल्स गिरते हैं उनके कारण पीपल जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, उनको इंजुरी भी हो सकती है। इट शैटर रूफ टाइल्स, जो घरों के रूफ होते हैं वो भी खराब हो सकते हैं। इट कैन डैमेज क्रॉप इन फील्ड्स एंड फ्रूट्स इन ऑर्चर्ड्स। तो देखिए, अगर खेती में क्रॉप्स लगे हुए हैं, फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो क्या हो सकते हैं, ये हेल स्टॉर्म के कारण खराब हो जाते हैं। इफ मैंगो ट्रीज आर इन ब्लॉसम एट द टाइम, द ब्लॉसम्स में रॉट और फॉल ऑफ, दिस लीड्स टू अ फॉल इन मैंगो प्रोडक्शन। तो देखिए, अगर मैंगो का सीजन है, समर सीजन में मैंगोस काफी आ जाते हैं ट्रीज के ऊपर, हमें पता है, लेकिन उसी समय अगर हेल स्टॉर्म आएगा, हेवी रेन हो जाती है, तो क्या होगा, वो मैंगो जो है ट्री से नीचे गिर जाएंगे या फिर उधर ही क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो इसका कॉज क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, इफेक्ट क्या दिखाई देगा हमें, कि जो मैंगो प्रोडक्शन है ये कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो मैंगोज है ये खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लड्स। Sometimes during the monsoons it rains heavily and continuously for 3 or 4 days. तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, मानसून सीजन में भी हैवी रेन होता है, रेन काफ़ी ज़ोरों से बारिश होती है और कंटिन्यूसली 2, 3, 4 दिन कंटिन्यूसली चलती रहती है। दिस कॉजेज द लेवल ऑफ वाटर इन ए रिवर टू राइज, और इनके कारण क्या होता है, रिवर की जो लेवल होती है, वाटर लेवल काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। दैट इज द रिवर गेट्स फ्लडेड, और इसके कारण ही हम क्या बोलते हैं कि नदी में बाढ़ आ गई है। इफ इट डज नॉट स्टॉप रेनिंग, सेटलमेंट्स ऑन इट्स बैंक कैन ऑल्सो गेट फ्लडेड। तो अगर बारिश रुकती ही नहीं है 4-5 दिन और कंटिन्यूसली उसके बाद भी चलती जा रही है, यहाँ पे नदी में पूरा पानी भर चुका है और बाढ़ आ चुकी है, तो ये पानी कहाँ पे जाता है, फिर जहाँ पे सेटलमेंट, जहाँ पे बस्ती होती है लोगों की, वहाँ पे भी चला जाता है, और फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे बाढ़ आ चुकी है। जैसे कि आप साइड में पिक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे लोग जो है किस तरीके से पानी से जा रहे, देखो पूरा पानी यहाँ पे गांव में भर चुका है। मड हाउसेस ऑन द रिवर साइड्स कोलैप्स ड्यूरिंग अ फ्लड। तो देखिए, जो मोस्टली विलेजेस होते हैं वहाँ पे जो हाउसेस होते हैं मड से, कीचड़ से, मिट्टी से बनाए जाते हैं। अगर वहाँ पे रिवर साइड है और रिवर में अगर फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो क्या होगा, फिर उनके तो घर वैसे ही वहाँ पे कोलैप्स हो जाएंगे, बह जाएंगे। पीपल एंड एनिमल्स में डाई ड्यू टू ड्रॉनिंग। तो यहाँ पे लोग जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, यहाँ पे मर जाते हैं, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा है तो तैर नहीं पाएंगे और वहाँ पे डूब जाते हैं। ड्रॉनिंग कभी नहीं होता है, डूबना, डूब जाना, तो एनिमल्स डूब जाते हैं, पीपल भी यहाँ पे पानी में बह जाते हैं। फ्लडिंग ऑफ सेटलमेंट्स कॉजेस प्रॉब्लम्स इन एवरीडे लाइफ। तो जैसे कि एवरीडे लाइफ हम लोग कैसे नॉर्मली जीते हैं, ऐसे जी पाएंगे क्या, अगर हमारे घर में, घर के बाहर हर जगह पे पानी भर जाएगा तो हम नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते हैं। At such times we should go to a safe place at a height and come back only when the flood waters recede. अगर ऐसा होता है, अगर बाढ़ आ रही है, ऐसे हमें समझ में आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, सेफ प्लेस ढूंढनी चाहिए, जो हाइट में होगी, जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होगी, ऐसे जगह पे हमें जाना चाहिए। और हम वापस कब आएंगे, जब फ्लड कम हो जाएगा, पानी रिसीड, मतलब पानी का लेवल कम हो जाएगा, तभी हमें वहाँ पे आना होगा।
द करंट ऑफ फ्लड वाटर इज वेरी स्ट्रांग, इट इज डेंजरस टू स्विम इन फ्लड वाटर्स। जो फ्लड वाटर होता है इसका जो बहाव होता है ये काफ़ी तेज होता है, तो इसीलिए इसमें स्विमिंग करना या फिर अगर जिनको स्विमिंग आती है वो लोग भी ठीक से तैर नहीं पाती है फ्लड वाटर में, तो बिल्कुल भी हमें ऐसे रिस्क नहीं लेनी होती है फ्लड वाटर में, काफ़ी डेंजरस होता है। अर्थक्वेक्स, तो अर्थक्वेक्स क्या होते हैं? भूकंप। Sometimes the rocks in the walls of the earth move, as a result waves are produced in the layers of a rock. तो देखिए जो rocks होते हैं ज़मीन के नीचे जो rocks होते हैं ना, ये अगर कभी move होते हैं तो इसके कारण क्या होती है, कुछ waves produce होती है जिनके कारण जो rock के layers होते हैं ये भी क्या होते हैं, हलचल करने लगते हैं, जिनके कारण earthquake होता है। If a stone is thrown into a pool of still water, we see circular ripples around it. तो देखिए साइड में आपको पिक्चर दिख रहा है, ऐसे शांत अगर पानी है उसमें अगर आप स्टोन फेंकते हो तो क्या होता है, स्टोन यहाँ पे आपने फेंका है तो उसके अराउंड आपको इस तरीके से रिपल्स लहरें आपको इस सर्कुलर मोशन में ऐसे दिखती है। दे मूव टू द एजेस ऑफ द पूल, और धीरे धीरे करके ये लहरें इस तरीके से गोल होते होते क्या किनारे के ऊपर तक आ जाती है। After some time the waves settle and the water becomes still as before, और थोड़ी देर के बाद ये पूरा जो है फिर से क्लियर हो जाता है, कोई भी आपको रिपल्स वहाँ पे नहीं दिखते हैं। Exactly the same kind of waves are produced inside the earth, और इसी तरीके के जो waves है जो लहरें होती है produce होती है हमारे earth के अंदर भी। For a few second the ground shake, और थोड़ी देर के लिए क्या होती है जब ये rocks move होते हैं उस समय जो waves होती है इसके कारण जो ground है shake होता है कुछ second के लिए। That is the earthquake, उसे ही क्या कहा जाता है, earthquake भूकंप कहा जाता है। Then everything quietens down again, और थोड़ी देर के बाद ये पूरा फिर से क्या हो जाता है, पहले के जैसे शांत हो जाता है। Where the earthquake occurs, buildings are, देखिए आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिख रहा है कि इस तरीके से जब अगर earthquake होता है भूकंप होता है तो जो buildings होते हैं तो ये cracks आ जाते हैं उनके ऊपर, उसके बाद पूरी तरीके से ऐसे घर जो है टूट के बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ये इस तरीके से घर जो होते हैं buildings जो होते हैं पूरी तरीके से collapse हो जाते हैं। Next page पे देखेंगे buildings shaken, थिंग्स इनसाइड द हाउस ऑल फॉल फ्रॉम देयर प्लेसेस। अगर थोड़ा सा यहाँ पे भूकंप आता है तो उसके कारण क्या होता है, पूरा घर शेक हो जाता है जैसे कि, और उसके घर में जो भी चीज़ें उनके प्लेस पे रखी हुई है ये गिर जाती है। हाउसेज दैट आर नॉट स्ट्रांग इनफ सिंपली कोलैप्स इन टू हीप्स, अगर हाउसेज जो मिट्टी से बने होते हैं पत्थर से जैसे कि गाँव में होते हैं मोस्टली या फिर हट जैसे बने हुए होते हैं वो स्ट्रांग नहीं होते इसके कारण क्या होते हैं, सिंपली कोलैप्स गिर जाते हैं। पीपल गेट ट्रैप अंडर द हीप्स एंड गेट इंजर्ड और इवन लूज देयर लाइफ, तो ये ऐसे अगर कच्चे घरों में लोग रहते हैं और अगर भूकंप आता है तो घर कोलैप्स होगा तो ऑब्वियसली जो घर में रहने वाले लोग हैं वो एक तो इंजर हो जाते हैं या फिर उनकी जान भी जा सकती है। द मोस्ट डैमेज ऑकर्स नियर द सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, और ये जो डैमेज सबसे ज़्यादा होता है ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे अर्थक्वेक आता है उस सेंटर के आसपास के जहाँ पे लोग होते हैं वहाँ पे अर्थक्वेक अगर आता है मतलब जो भी सेंटर है वहाँ पे, तो वहाँ पे ज़्यादा डैमेज होता है। एंड अर्थक्वेक ऑल्सो कॉजेस इंजुरीज और डेथ ऑफ एनिमल्स वी कीप, तो लोगों की जान तो जाती है इंजुरी तो होती है लेकिन एनिमल्स को भी यहाँ पे नुकसान होता है। When an earthquake occurs, one should not panic. तो अगर earthquake आता भी है तो हमें panic नहीं होना चाहिए, disturb नहीं होना चाहिए ज़्यादा। It lasts only a few seconds, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए होता है तो थोड़ी सी हमें precaution लेनी होती है। During that time, heavy things around us can fall on us. तो जो भारी भरकम जो चीज़ें होती है, heavy चीज़ें होती है तो हम पर गिरने के chances होते हैं, तो these can cause harm, तो इससे हमें नुकसान हो सकता है। So as soon as we feel the earthquake, we should go under a strong bed or table. तो अगर ऐसा कभी हमें लगता है कि अर्थक्वेक आ रहा है या फिर फील होता है, देखिए थोड़ा सा भी शेक हो जाएगा तो हमें समझ में आ रहा है कि कुछ तो यहाँ पे हो रहा है, तो अगर आपको फील होता है कि अर्थक्वेक आ रहा है तो सबसे पहले अगर कोई स्ट्रांग बेड है टेबल है तो उसके नीचे जाके बैठी है, और स्टैंड अंडर अ डोर फ्रेम, तो जो डोर फ्रेम होता है हमारा जो दरवाज़ा होता है उसकी जो चौकट होती है उसके अंडर आप खड़े रह सकते हो। दिस कैन प्रिवेंट इंजुरीज फ्रॉम फॉलिंग ऑफ दैट, इससे क्या हो सकता है घर में, देखिए अगर आप कहीं पे बैठे हुए हो और बाजू में कोई चीज़ें रखी हुई है भारी भरकम चीज़ें तो आपके ऊपर गिर के आपको इंजुरी हो सकती है, तो बेटर है कि अगर आप घर में हो तो आपको क्या करना है, स्ट्रांग बेड टेबल होगा उसके नीचे बैठना है या फिर जो हमारी डोर फ्रेम होती है दरवाजे में वहाँ पे खड़ा रहना है, और अगर आप ओपन प्लेस में बाहर हो जा सकते हो तो सबसे सेफ जगह होती है कि घर से बाहर जो भी ओपन प्लेस है जहाँ पर कोई भी चीज़ें नहीं है ट्रीज़ वगैरह नहीं है वहाँ पर आप जा सकते हो।
डू यू नो, मैं आपको दिया है यहाँ पे, इफ एन अर्थक्वेक ऑकर्स वाइल यू आर एट स्कूल सीट अंडर योर डेस्क और बेंच. तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है कि अगर आप स्कूल में हो और उस टाइम अगर अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो डेस्क होता है, जो बेंच होता है, उसके नीचे बैठ जाइए. वंस द क्वेक स्टॉप्स कम आउट इन सिंगल फाइल एंड गैदर टुगेदर इन द ओपन स्कूल ग्राउंड. और अर्थक्वेक स्टॉप हो चुका है, थम चुका है, ऐसे अगर आपको लगता है तो एक एक करके आप सब लोग क्या करेंगे, एक जो स्कूल का हमारा ग्राउंड होता है ओपन होता है तो वहाँ पे कुछ गिरने के चांसेस नहीं होते, तो वहाँ पे आप लोग जमा हो सकते हो. क्राउडिंग चर्स एंड अ स्टैम्पेड कैन कॉज मोर डैमेज दैन द क्वेक इटसेल्फ. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको दी है, ये आपको याद रखना है कि अगर आप घर में होते हो तो सेफ कैसे रह सकते हो, अगर आप स्कूल में हो तो वहाँ पे डेस्क या फिर बेंच के नीचे आप बैठ सकते हो. देखिए यहाँ पे आपको अगेन एक पिक्चर दिख रहा है, तो ये पिक्चर किसका दिख रहा है आपको, सुनामी, जो कि बड़े लहरें समुद्र में आते हैं उनके कारण भारी नुकसान होता है, तो उन लहरों को कहा जाता है सुनामी. तो उसके बारे में हम देखेंगे आगे. सुनामी, इफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इज इन द सी, इट प्रोड्यूसेस जाइगेंटिक सी वेव्स. तो देखिए अगर अर्थक्वेक जमीन में आता है तो उसके कारण जमीन शेक होती है, लेकिन अगर सी में इस तरीके के अर्थक्वेक होते हैं, देखिए समुद्र का जो पानी है उसके नीचे भी तो जमीन ही है, तो वहाँ पे अगर जमीन में अर्थक्वेक आता है तो जो सी की वेव्स होती है काफ़ी बड़ी, जाइगेंटिक मतलब काफ़ी बड़ी, ह्यूज ऐसी वेव्स बन जाती है, लहरें बन जाती है. ईच वेव इज़ द हाइट ऑफ ए 3 or 4 story बिल्डिंग. तो जो 3 or 4 मंजिली बिल्डिंग होती है इतनी बड़ी वेव्स बन जाती है हाइट की. These waves come with tremendous force towards the coast and crash into the land. और ऐसी जो बड़ी बड़ी लहरें बन जाती है ये काफ़ी तेज फोर्स से क्या करती है, कोस्ट की तरफ, किनारे की तरफ आती है और जो लैंड है किनारे का पूरा उसे क्रैश कर देती है, नुकसान कर देती है. These waves are called tsunami. तो इसे क्या कहा जाता है, सुनामी. आप पिक्चर में देखोगे इस तरीके के जो लहरें होती है, बड़ी सी लहरें होती है, 3-4 मंजिली जो बिल्डिंग होती है उनसे भी ज़्यादा उनकी हाइट होती है और ये किनारे की तरफ काफ़ी फोर्स से आती है जिसके कारण किनारे के ऊपर जो लोग रहते हैं, जो ज़मीन है, सबका नुकसान होता है. यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखेंगे. इफ देर आर पीपल लिविंग ऑन द कोस्ट वेयर सुनामी ऑकर्स, इट कॉजेस मच डिवास्टेशन. डिवास्टेशन मतलब उद्वस्त हो जाता है, तहस नहस हो जाता है. अगर सुनामी कोस्ट की तरफ, किनारे की तरफ आ रही है तो किनारे के ऊपर अगर जो बिल्डिंग्स है लोग अगर रहते हैं तो उनका काफ़ी नुकसान होता है. पीपल और एनिमल्स हु कम इन द वे ऑफ दिस वेव्स आर कम्प्लीटली हेल्पलेस. अगर ऐसी लहरों में अगर लोग आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, तो वो तो बचने के चांसेस ही नहीं होते हैं उनके. दे ड्रॉन एंड डाई, वो डूब जाते हैं और मर जाते हैं. और सुनामी कम्स विद सो मच फोर्स दैट व्हीकल्स ऑन द कोस्ट अलॉन्ग विद द पीपल इन देम गेट थ्रोन अवे टू क्वाइट अ डिस्टेंस. अगर यहाँ पे चालू जो गाड़ी होती है या फिर गाड़ी में लोग बैठे हुए हैं, ऐसी गाड़ियाँ भी फेंक मतलब क्या हो जाती है, यहाँ पे वेव्स का जो फोर्स इतना होता है कि वो दूर फेंकी जाती है काफ़ी डिस्टेंस पे. व्हीकल्स आर क्रश, जो व्हीकल्स है पूरी तरीके से क्रश हो जाते हैं. पीपल इनसाइड गेट इंजोर और डाई, अगर ऐसे व्हीकल्स में अगर लोग बैठे हुए हैं और व्हीकल्स क्रश हो जाता है या फिर फेंका जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, जो उसमें बैठे हुए लोग है ये इंजोर भी हो सकते हैं और मर भी सकते हैं. द सुनामी कैन ऑल्सो शटर हाउसेस एंड शॉप्स ऑन दी कोस्ट. जो भी किनारे के ऊपर घर है, जो भी शॉप्स है, वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से टूट जाते हैं सुनामी के कारण. डू यू नो, मैं आपको दिया यहाँ पे, इन एवरी सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स देर इज अ फिक्स ड्रिल टू बी फॉलो इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर. देर आर स्पेशली ट्रेन वॉलेंटरी फॉर दैट पर्पज, इफ नेसेसरी सोल्जर्स ऑफ द आर्मी आर ऑल्सो कॉल्ड टू हेल्प. तो देखिए आपने भी देखा होगा कभी, जैसे कि टीवी पे न्यूज़ आती है, कहीं पे सुनामी आ जाता है, भूकंप आ जाता है, फ्लड आ जाता है, तो उस टाइम जो लोग होते हैं मदद करने वाले वो ट्रेन वॉलेंटियर्स होते हैं. उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि उस नेचुरल डिजास्टर में किस तरीके से काम करना चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं. और अगर ज़्यादा ही हेल्प की ज़रूरत होती है फिर हमारे सोल्जर्स जो आर्मी होती है वो भी हेल्प करने के लिए आ जाती है. तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर्स होते हैं, वहाँ पे इस तरीके की इंफॉर्मेशन पहुँचाई जाती है, तो उसके बाद जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, हमारी हेल्प के लिए आ सकते हैं. व्हाट वी हैव लर्न्ड, इस लेसन से हमने क्या सीखा, रेन दैट फॉल्स एट टाइम्स अदर दैन इन द रेनी सीजन इज कॉल्ड अनटाइमली रेन. तो अनटाइमली रेन के बारे में हमने देखा कि जो मानसून सीजन है और प्री मानसून सीजन होता है उसके अलग टाइम में कभी अगर बारिश होती है तो उसे अनटाइमली रेन कहा जाता है, जिसके कारण फील्ड जो होते हैं वाटरलॉग हो जाते हैं, क्रॉप्स का नुकसान हो जाता है. हेल स्टॉर्म्स के कारण भी क्या होता है, अनटाइमली रेन्स अगर होती है उसके साथ साथ हेल स्टॉर्म भी होता है, तो उसके कारण लोग, एनिमल्स इंजोर होते हैं और उनकी जान भी जा सकती है इसमें. इफ इट रेन्स हेविली ड्यूरिंग द रेन्स द लेवल ऑफ वाटर इन द रिवर्स राइजेस. देखिए अगर कंटिन्यूसली 2-4 दिन अगर बारिश होती है तो ऐसे समय में फ्लड आने के चांसेस होते हैं, पूरे गाँव में, शहर में, हर जगह पर पानी भर जाता है, हाउसेस
बिजनेस कोलैप्स हो जाते हैं, लोग एनिमल्स यहाँ पे मर जाते हैं, जो भी हमारी लाइफ होती है पूरी तरीके से बिगड़ जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है, जैसे कि हमने लेसन में इसको डिस्कस किया है ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में। सम मोमेंट्स इन द बॉल्स ऑफ द अर्थ गिव राइजेस टू वेव, जैसे हमने अभी देखा कि अर्थवेव किस तरीके से होते हैं, कि ज़मीन में जो रॉक्स होते हैं उनके बीच में कुछ हलचल होने के कारण, मूव होने के कारण यह अर्थवेव आता है। देन आपको दिया कि किस तरीके से प्रिवेंट करना है, अगर इस तरीके से भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है तो आपको क्या करना है, अगर आप घर में हो तो किस तरीके से आप क्या कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि टेबल के नीचे, बेड के नीचे आप बैठ सकते हो, या फिर आप डोर फ्रेम जो होती है वहाँ पर बैठ सकते हो, या फिर सीधा जो खुले मैदान होगा वहाँ पर जा सकते हो। वेन एन अर्थक्वेक हैज इट स्टार्टिंग पॉइंट इन द सी, इट गिव्स राइज टू जाइजेंटिक वेव्स, अगर इस तरीके के अर्थक्वेक सी में आते हैं तो उसके कारण सुनामी आता है, ये भी हमने देखा। ऑलवेज रिमेंबर वी मस्ट ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट नेचुरल डिजास्टर टू लर्न हाउ वी कैन प्रिवेंट द लॉस दैट दे कैन कॉज। तो देखिए इस लेसन में हमने जो सीखा है कि ये इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए कि अगर नेचुरल डिजास्टर आते हैं उन्हें हम तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अगर नेचुरल डिजास्टर आते हैं तो उनके कारण जो लॉस होगा, हमारा जो नुकसान हो सकता है, उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर पहले से ही हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इनके बारे में होती है। तो यही आपको इस लेसन में दिया हुआ है।